नमस्कार बच्चों, गुरुकुल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, हमने पहले जो है क्रिया विशेषण के पार्ट वन के अंदर क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में पढ़ा कि क्रिया विशेषण के जो है कौन कौन से भेद होते हैं। हमने क्रिया विशेषण के चार भेदों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यानी ये चार जो हैं क्रिया के भेद थे। हमने रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ चुके हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से रीतिवाचक क्रिया विशेषण को कैसे प्रश्न लगाकर जो है अलग किया जा सकता है और कालवाचक को कब। आज बच्चों हम कर रहे हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण बच्चों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी स्थान मीन्स क्या होता है? जगह। स्थान मीन्स जगह, ठीक है बच्चों। यानी जिन क्रिया विशेषण शब्दों से हमें क्रिया के स्थान के बारे में पता चलता है कि क्रिया किस स्थान पर जो है घटित हुई है, यानी जिन क्रिया विशेषण शब्दों से हमें क्रिया के घटित होने के स्थान के बारे में पता चलता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बच्चों, इसको हम कहां प्रश्न लगाकर यानी क्रिया के साथ प्रश्न करके जो है इसकी पहचान कर सकते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के लिए कुछ शब्द हैं जिनकी हम जो है पहचान कर सकते हैं। जैसे यहां, वहां, यहां वहां, ऊपर, नीचे, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, चारों ओर, इधर उधर, इधर इधर उधर, दाएं बाएं, किधर किधर आदि। यानी इन शब्दों का प्रयोग करके, इन शब्दों के माध्यम से और कहां प्रश्न करके क्रिया के साथ हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जान सकते हैं। जैसे बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल है, मैं यहां रहता हूं, मैं यहां रहता हूं। बच्चों देखो, इसमें क्या आया है? यहां। अब मैंने क्या कहा है? कहां, कहां प्रश्न का यदि हम यूज करेंगे, मैं कहां रहता, रहना इसमें क्या है? क्रिया। मैं कहां रहता हूं, आपको क्या आंसर मिला? कहां रहता हूं? यहां रहता हूं। मैं क्या रहता हूं? यहां रहता हूं। यानी यह शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। ओके बच्चों, उसके बाद सेकंड है, इस ओर चलिए, इस ओर, ओर मीन्स तरफ, ओर मीन्स अन्य, उसमें दो मात्रा आएंगे लेकिन इसमें एक है, इस ओर चलिए। देखिए, इसमें इस ओर चलिए मीन्स चलना, कहां चलिए? इस ओर। आंसर मिला
इस तरफ यानी इस ओर जो है चलिए, यानी ये क्या है बच्चों, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है बच्चा, बच्चा सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गया, बच्चा सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गया, कहां चढ़ गया, ऊपर। ठीक है, आप जैसे ही इसमें कहां चढ़ गया, चढ़ना क्रिया है, ठीक है, आंसर कर यानी क्वेश्चन करके देखिए, कहां चढ़ गया यानी बच्चा कहां चढ़ गया, आपको आंसर मिलेगा सीढ़ियों के ऊपर, यानी ऊपर, बच्चा कहां चढ़ गया, ऊपर। इसलिए ये क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है। इसी प्रकार बच्चों, चारों ओर फैली गंदगी को साफ करवाइए। मान लीजिए हमने बोला है चारों ओर फैली गंदगी को साफ करवाइए, तो इसमें चारों ओर कहां फैली गंदगी को साफ करवाइए, कहां फैली गंदगी को साफ करवाइए, चारों ओर। ठीक है बच्चों, आंसर क्या मिला, चारों ओर। देखो बच्चों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जहां पर हमें कहां प्रश्न के माध्यम से क्रिया के साथ कहां प्रश्न करके जो उत्तर मिलता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत यहां वहां ऊपर नीचे बाहर चारों ओर इधर उधर इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यहां रहता हूं, कहां रहता हूं, यहां रहता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां मत रुकिए, कहां मत रुकिए, यहां मत रुकिए। आगे जाइए, कहां जाइए, आगे जाइए। यानी इस प्रकार से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यानी क्रिया विशेषण के बारे में, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, देखो पहले मैंने यहां पर लिखा है कितना या कितनी, प्रश्न करके हम जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जान सकते हैं। परिमाण क्या होता है, मात्रा, परिमाण मींस मात्रा। ठीक है बच्चों, यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत हम कितना या कितनी जो है क्रिया के साथ प्रश्न करके जान सकते हैं, और इसके अंतर्गत हम अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे थोड़ा शब्द है, थोड़ा, ज्यादा, खूब, थोड़ा, ज्यादा, खूब, खूब, बहुत, यथेष्ट, तिल तिल, यथेष्ट, तिल तिल, उसके बाद ठीक, काफी इत्यादि। यानी इन शब्दों के माध्यम से हम जो है मात्रा के बारे में जान सकते हैं, यानी कोई वस्तु कितनी मात्रा में है, कम है, ज्यादा है। ठीक है बच्चों, देखिए
दोबारा फिर बता रहा हूं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जिन क्रिया विशेषण शब्दों के माध्यम से हमें क्रिया की मात्रा या क्रिया के परिमाण का पता चलता है उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों के माध्यम से हमें क्रिया की मात्रा का पता चलता है उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी पहचान हम जो है कितना या कितनी पर्सन लगाकर क्रिया के साथ पर्सन करके कर सकते हैं। इसके अंतर्गत कुछ शब्द दिए जाते हैं जैसे थोड़ा, ज्यादा, खूब, बहुत, यथेष्ट, तिल तिल, ठीक, काफी इत्यादि जो शब्द होते हैं इनके माध्यम से भी हम क्रिया यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कर सकते हैं। देखो बच्चों, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है राम ने खूब पानी पिया। राम ने खूब खाया। मान लीजिए हमने लिखा है राम ने खूब खाया, ठीक है। राम ने कितना खाया, कितना खाया, खूब। आंसर मिला खूब, यानी खूब शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है। खूब शब्द क्या है बच्चों, क्रिया विशेषण है। उसके बाद देखिए हम जो है नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, जैसे वह बहुत पढ़ता है। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या था, खाया मींस खाना, ये क्रिया थी। क्या खाया, कितना खाया, खूब खाया। सेकंड में क्या है, बहुत पढ़ना, पढ़ता है पढ़ना। क्वेश्चन करेंगे कितना पढ़ता है, बहुत पढ़ता है। राम कितना पढ़ता है, राम जो है बहुत पढ़ता है, इसलिए क्या है यहां पर बहुत शब्द जो है क्रिया विशेषण। थर्ड एग्जांपल, जैसे प्रसाद थोड़ा थोड़ा मिलेगा। प्रसाद कितना मिलेगा, मिलेगा मींस मिलना। प्रसाद कितना मिलेगा, आंसर आता है हमारा प्रसाद जो है थोड़ा थोड़ा मिलेगा। इसलिए इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा जो है क्रिया विशेषण है। देखो बच्चों, हमने तीनों एग्जाम्पल के अंदर फर्स्ट के अंदर आंसर मिला हमारा खूब खाया, राम ने खूब खाया, राम जो है बहुत पढ़ता है, प्रसाद जो है थोड़ा थोड़ा मिलेगा। इस प्रकार से बच्चों जो है हम क्रिया विशेषण के बारे में जान सकते हैं। अन्य एक और एग्जाम्पल देखिए आप, उतना खाओ, उतना खाओ जितना आवश्यक हो। हमें कितना खाना चाहिए, उतना खाना चाहिए जितना आवश्यक हो। यह है, देखो बच्चों, उतना और इसमें जितना, हम यहां पर शब्दों को देख रहे हैं, मात्रा के बारे में हम जान रहे हैं। कितना खाना चाहिए, उतना खाना चाहिए। कितना खाओ, खाओ से क्रिया खाना, ठीक है। कितना खाओ,
आंसर आता है आपका उतना। ठीक है, आवश्यक है यानी जरूरी है, कितना कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है, जितना। ठीक है ना, यानी उतना खाओ जितना आवश्यक है। इस प्रकार से बच्चों जो है हम किसी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंदर क्रिया विशेषण को जो है जान सकते हैं। मान लीजिए खूब खेलिए, स्वस्थ रहिए, कितना खेलिए, खूब खेलिए। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगे। बच्चों देखिए, क्रिया विशेषण के बाद जो है हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे जो विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं और उन्हें यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वो विशेषण है या क्रिया विशेषण है। ठीक है बच्चों, ऐसे शब्दों के बारे में हम जानेंगे। देखिए कुछ शब्द क्या होते हैं, कुछ शब्द विशेषण, कुछ शब्द विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या किए जाते हैं, समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, कुछ शब्द विशेषण और क्रिया विशेषण में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बहुत शब्द है अभी हमने यूज किया है, काफी शब्द है, बहुत शब्द है, काफी शब्द है, पर्याप्त शब्द है, पर्याप्त शब्द है, तेज शब्द है इत्यादि। अब बच्चों देखो इत्यादि, देखो सबसे पहले हम इनका प्रयोग करने से पहले जानेंगे कि विशेषण और क्रिया विशेषण, या इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। देखो मैंने क्या बोला है, विशेषण और क्रिया विशेषण, विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी जान सकते हैं कि विशेषण, देखो विशेषण क्या होते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, हमने पीछे पढ़ा था, क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है बच्चों, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। चलो बच्चों अब हम जानते हैं विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है, या दोनों को कैसे पहचानेंगे कि यह विशेषण है या क्रिया विशेषण है। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आज, जैसे आज बहुत बारिश हुई, आज बहुत बारिश हुई। ठीक है, सेकंड लिखा मैंने बच्चा बहुत रोता है, इधर की साइड लिख रहा हूं मैं, बच्चा
बहुत रोता है। देखो दोनों में बहुत शब्द आया, यहां पर भी बहुत है और यहां पर भी बहुत है। आज बहुत बारिश हुई, बच्चा बहुत रोता है। अब इसमें से कि विशेषण कौन सा है और क्रिया विशेषण कौन सा है, कैसे पता लगेगा हमें? देखिए बच्चों, हमने पहले ही क्लियर किया है कि विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब इसमें बारिश शब्द क्या है? क्रिया है? नथिंग। क्या है यहां पर? बारिश शब्द क्या है? संज्ञा है। बारिश शब्द संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या है? आज बहुत बारिश हुई, यानी यह क्या है? इसकी विशेषता है, आज बहुत बारिश हुई, इसलिए यह क्या है? विशेषण है। यह क्या है? विशेषण है और यह संज्ञा है। दोनों में अंतर क्लियर हो गया होगा बच्चों। यहां पर देखिए बहुत शब्द, बहुत शब्द क्या है? क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्यों है? क्योंकि क्या है ये? क्रिया की विशेषता बताई जा रही है यहां पर। और यहां पर रोता शब्द क्या है? क्रिया है। रोता शब्द क्या है? क्रिया है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा। आज बहुत बारिश हुई मींस क्या है? इसकी विशेषता बताई जा रही है, संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये विशेषण है। और यहां पर जो संज्ञा है वो बारिश है, उसी प्रकार यहां पर बहुत शब्द है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे राम अच्छा लड़का। देखो राम अच्छा लड़का है। नेक्स्ट लिख रहा हूं, राम अच्छा गाता है। देखो दोनों वाक्य में राम अच्छा लड़का जातिवाचक संज्ञा है, राम भी संज्ञा है, यानी राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। राम की ये क्या है यहां पर? विशेषता है। राम की विशेषता है, इसलिए क्या है ये? विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है। लड़का शब्द क्या है? संज्ञा है। ठीक है, उसी प्रकार ये है गाता यानी गाना यहां पर क्या है? क्रिया है, यानी राम एक क्रिया कर रहा है, कार्य कर रहा है गाने का। अच्छा क्या है? ये उसकी विशेषता है। किसकी? क्रिया की, इसलिए क्या हो गया? क्रिया विशेषण। ये शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। देखो बच्चों, दोनों एग्जाम्पलों के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि विशेषण क्या होते हैं और क्रिया विशेषण क्या होते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण। जैसे फर्स्ट वाक्य में हमने किया है कि यहां पर बारिश संज्ञा है, लड़का संज्ञा है, बहुत उसकी विशेषता है और अच्छा उसकी विशेषता है। उसी प्रकार यहां पर रोता और गाता ये दोनों क्रियाएं हैं, और अच्छा और बहुत जो है क्रिया विशेषण है। चलो बच्चों एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए थर्ड पे है, कमला सुंदर है, कमला सुंदर है, कमला सुंदर लिखती है, कमला सुंदर लिखती है। अब इसमें देखो बच्चों, यहां पर
कमला सुंदर है, यानी कमला क्या है संज्ञा, कमला संज्ञा क्या है वो, उसकी विशेषता है कि कमला जो है सुंदर है, ठीक है। उसके बाद यहां पर कमला सुंदर लिखती है, लिखती है क्या है यहां पर क्रिया है, और सुंदर क्या है उसकी विशेषता है, ठीक है बच्चों, क्लियर। उसी प्रकार हम एक और, जैसे सेठ के पास पर्याप्त धन है, क्या है धन, धन शब्द क्या है संज्ञा है, कितना धन है पर्याप्त धन है, ठीक है। सेठ ने पर्याप्त खाया, कितना खाया पर्याप्त खाया, यानी खाना यहां पर क्रिया है, पर्याप्त यहां पर क्रिया विशेषण है, सेठ के पास पर्याप्त धन है, ठीक है। धन जो है संज्ञा है और पर्याप्त शब्द जो है उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। इसलिए दोनों के अंदर यानी विशेषण और क्रिया विशेषण में ये अंतर जो है स्पष्ट हो जाता है कि विशेषण के अंदर हम जो है क्रिया यानी सॉरी विशेषण के अंतर्गत हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, और क्रिया विशेषण में हम जो है क्रिया की विशेषता के बारे में जो है जान सकते हैं। जैसे चाकू तेज है, चाकू संज्ञा है तेज है, चाकू की यह विशेषता है कि चाकू जो है तेज है। उसी प्रकार जैसे वह तेज भागता है, भागना क्या है क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या है तेज, यानी इसलिए तेज शब्द यहां पर क्या है क्रिया विशेषण है। बच्चों इसी के साथ ही हमारा आज का ये जो टॉपिक है क्रिया विशेषण समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये अच्छी प्रकार से जो है समझ में आ गया होगा। बच्चों फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, नमस्कार, धन्यवाद।